जी हाँ, आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही कि हमारे विकास दुबे आखिरकार पकड़ा जा चुका है। और दोस्तों, विकास दुबे नाम का ये ऐसा शख्स है जिसकी तलाश पुलिस हमारे पिछले कई दिनों से कर रही थी, तो आखिरकार ठीक आज 9 जुलाई 2020 को विकास दुबे पकड़ा जा चुका है। तो विकास दुबे का पूरा मामला क्या है और दोस्तों, विकास दुबे पकड़े जाने के बाद पुलिस को कौन सा यहाँ पर बड़ा बयान जारी किया है, इसकी सभी जानकारियों के बारे में मैं आपको एकदम कांच की तरह क्लियरली समझाऊंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाने चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि विकास दुबे अरेस्टेड लाइव अपडेट्स, यानी दोस्तों हमारा विकास दुबे आज अरेस्ट हो गया है और इसकी लाइव अपडेट्स आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि विकास दुबे को सीधा यूपी पुलिस को सौंपेगी एमपी पुलिस और कोर्ट में नहीं कराई जाएगी उसकी पेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे विकास दुबे आज पकड़ा तो जा चुका है, लेकिन दोस्तों हमारे एमपी में आपका विकास दुबे पकड़ा गया है और दोस्तों जल्दी हमारी एमपी की पुलिस यूपी पुलिस को सौंपने वाली है। तो इसके बारे में कौन सा यहाँ पर बड़ा बयान जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है और दोस्तों मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को यह जानकारी दे दी और दोस्तों पुलिस के आने से पहले मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेर लिया था। यानी दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे उज्जैन के महाकाल मंदिर से आपका विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है और दोस्तों ठीक हमारे उज्जैन के मंदिर में जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी रहते हैं उन्होंने पुलिस को फोन करके ये जानकारी दी थी कि विकास दुबे यहाँ पर मौजूद है, तो हमारी एमपी की पुलिस ने जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही कि जिसकी तलाश पुलिस हमारे पिछले कई दिनों से कर रही थी आखिरकार वो पुलिस की शिकंजा में आ चुका है। और दोस्तों, इसको लेकर हमारे विकास दुबे ने कौन सी जानकारी दी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं और दोस्तों इस खबर के मुताबिक हमारे विकास दुबे का कौन सा यहाँ पर बड़ा बयान जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विकास दुबे ने कहा है कि उज्जैन के जिला कलेक्टर आशीष ने कहा है कि विकास दुबे महाकाल का दर्शन करने के लिए आया था और दोस्तों उसी समय उस मंदिर के सुरक्षा कर्मी ने उसे पहचान लिया था और दोस्तों उसी समय हमारे कंट्रोल रूम को फोन करके, यानी दोस्तों एमपी पुलिस को फोन करके यह पूरी जानकारी दे दी थी कि आखिरकार विकास दुबे यहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों ठीक उसके 20 मिनट बाद हमारी एमपी की पुलिस यहाँ पर पहुंची और हमारे विकास दुबे को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखते हैं कि आखिरकार विकास दुबे कौन सा और बड़ा बयान जारी करता है। और दोस्तों, ये बात तो आपको बताने वाली है नहीं कि विकास दुबे कौन था और क्या करता था, क्योंकि दोस्तों एक साधारण और सरल भाषा में समझे तो हमारा विकास दुबे एक बहुत यहाँ पर बड़ा गैंगस्टर था जिसका लिंक एक बहुत यहाँ पर बड़े बड़े आतंकवादियों से शामिल था। तो देखते हैं कि आखिरकार हमारे विकास दुबे को हमारी एमपी की पुलिस कितने टाइम तक यूपी पुलिस को सौंपती है और दोस्तों हमारी यूपी पुलिस हमारे विकास दुबे के साथ क्या करती है। अगर दोस्तों इसकी तरफ से कोई भी अगर खबर आ जाएगी तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर जरूर आपको जाहिर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों हाँ, आप इतना जरूर जान लीजिए कि हमारे जिस शख्स की तलाश थी पिछले कई दिनों से वो शख्स आखिरकार आज 9 जुलाई को गिरफ्तार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों विकास दुबे ने जो यहाँ पर कांड किया था उस कांड में आखिरकार पकड़ा ही जा चुका है। तो अगर दोस्तों विकास दुबे के पकड़े जाने से अगर दोस्तों आप खुश हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में SS जरूर लिख दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो विकास दुबे की पल पल की खबर से अपडेट रहने के लिए हमारी स्वाइप है ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियोस में, एक और अपडेट्स में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।